हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल सानो केमिस्ट्री क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लेक्चर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 4 की एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 7 तक देखा था। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हम लोग एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्या था। NaHC2O4, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में होता है +1। प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, तो दो कार्बन है तो हो जाएगा 2x। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में -2। यहां पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 के बराबर कर दीजिए। तो 2, क्योंकि किसी कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2 + 2x - 8 = 0। तो x आ जाएगा कितना, +3 आ जाएगा x। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 में है KH C2O4, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं तो हो जाएगा 2x, क्योंकि दो कार्बन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2 + 2x - 8 = 0। तो 2x - 6 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +3। तो इसमें भी KHC2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10, इसमें क्या है, K2C2O4, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 1 का एलिमेंट है × 2, दो पोटेशियम यहां पर है। प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं तो 2x हो जाएगा यहां पर। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -2 × 4 = 0, तो हो जाएगा 2 + 2x - 8 = 0, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा x = +3। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इस कंपाउंड में +3। एग्जांपल नंबर 11, H3PO4, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है H3PO4 में। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1, यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई। प्लस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 = 0, तो आ जाएगा 3 + x - 8 = 0, तो x आ जाएगा +5। तो H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। यह कंपाउंड है तो कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 होता है, तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर दीजिए 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +5। इसके बाद एग्जांपल नंबर 11 12, इसमें क्या है, HClO4, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1, प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां पर 4 ऑक्सीजन है = 0, तो आ जाएगा 1 + x - 8 = 0, तो x इज इक्वल टू आ गया +7। इसका मतलब हुआ HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। एग्जांपल नंबर 13, इसमें है BaC2O4, BaC2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है कितना होगा। तो बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, यह ग्रुप 2 का एलिमेंट है। प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए हो जाएगा 2x। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 = 0, तो यहां पर आ गया x का वैल्यू +3।
इसके बाद एग्जांपल नंबर 14। Fe C2O4 इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में होगा +2 प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी x का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 +2 तो -6 तो x का वैल्यू हो जाएगा +3। इसका मतलब फेरस ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको अगर ब्रेक कर देंगे पहले तो Fe+2 प्लस C2O4 2 माइनस ऐसे जुड़ेगा, Fe+2O4 Fe+2 प्लस C2O4 2 माइनस में ब्रेक होगा। और इसमें बताना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आशा कीजिए इस रेडिकल पर विचार कीजिए। इस रेडिकल में सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन चार्ज ऑन द रेडिकल के बराबर करते हैं, देखते क्या आता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिए तो हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द रेडिकल -2। x -8 इज इक्वल टू -2, x आ गया -2 आ जाएगा -2 प्लस 8 इज इक्वल टू +6 तो x आ जाएगा यहां से +3 आ जाएगा। 2x प्लस -2 × 4 बराबर -2, 2x -8 बराबर -2, 2x बराबर -8, -2 प्लस 8 प्लस 6 x बराबर +3। तो यहां से भी पता चलता है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं रेडिकल के फॉर्म में या सीधे कंपाउंड के फॉर्म में। इसके बाद एग्जांपल नंबर 15, इसमें क्या है, Fe2C2O4 thrice में देखते हैं, इसमें बताना हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर देख लीजिए फेरस जो है वह ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 3 में है, तो +3 × 2 फेरस है, 2 प्लस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, तो यहां पर कार्बन कितना है, 2 × 3 = 6 है, 6x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -2 × कितना ऑक्सीजन है, 4 × 3 = 12 तो -24 = 0। तो निकालेगा तो 6 + 6x - 24 = 0 तो 6x - 18 = 0 तो x बराबर +3। इसका मतलब इस ऑक्सलेट में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जानना होगा कि देख लीजिए यहां पर फेरस का वैलेंसी 3 यहां पर है, ऑक्सलेट का वैलेंसी यहां पर 2 है, तो इससे पता कर लिए हम लोग कि फेरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +3 × 2 +6x + -24 = 0 इस तरीके का सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, 2 Fe+3 + C2O4 3 C2O4 2 माइनस ऐसे होगा, 2 Fe+3 + 3 C2O4 2 माइनस ऐसे ब्रेक होगा। यहां से भी निकाल सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसको मानेंगे x, तो 3 × 6 कार्बन 6x माइनस ये हो जाएगा -2 प्लस लिखिए -2 × 4 × 12 = -2 तो 6x - 24 = -2। तो जब फिर से देखते हैं इसको, Fe+3 + 3 C2O4 2 माइनस हाँ, तो यहां पर देख लीजिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहां से, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे तो x 6x हो जाएगा, 3 × 6 कार्बन है 6x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ×
चार तिहाई 12 बराबर माइनस 2 के बराबर कर दीजिए, 4 अंदर रेडिकल सॉरी माइनस 6 के बराबर होगा इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 24 बराबर माइनस 6, 6x बराबर माइनस 6 प्लस 24, 6x इज इक्वल टू प्लस 18, x इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ से भी निकल जाएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3। यहाँ पर ऐसा माइनस 2 नहीं था, माइनस 6 था, 3 यहाँ पर 2 था, 3 गुना 6 माइनस 6 इसके बराबर कर देंगे तो प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद एग्जांपल नंबर अगला देखते हैं 16। अगला एग्जांपल K4 Fe CN6 K4 Fe CN6 इसमें बताना है फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में होता है प्लस 1, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो प्लस 1 इंटू 4 प्लस फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए, तो x प्लस CN माइनस 1 के फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस 1 इंटू 6 बराबर 0। कंपाउंड है तो कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स आ जाएगा प्लस 2। तो फेरस किस फॉर्म में है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है फेरस। इसको ब्रेक करके भी तोड़ सकते हैं, इसको 4 के प्लस प्लस एफ सी एन सिक्स 4 माइनस 4 के प्लस प्लस एफ सी एन सिक्स 4 माइनस। तो यहाँ पर फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे, x प्लस माइनस 6 बराबर माइनस 4, तो x आ जाएगा माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से भी लिखा जाएगा, मतलब ब्रेक करके भी बना सकते हैं रेडिकल के फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगला देखते हैं क्या है, सीओ NH3 6 Cl2 सीओ अमोनिया 6 Cl2। इसमें बताना है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेते हैं, x प्लस यह कंपाउंड अमोनिया कंपाउंड है, तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो 0 इंटू 6 प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0, तो आ जाएगा x का वैल्यू प्लस 2। ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे, कॉपर अमोनिया 6 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस इसका मान लेते हैं x प्लस अमोनिया का 0 इंटू 6 इज इक्वल टू प्लस 2, चार्ज ऑन द रेडिकल x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2। तो ऐसे भी आएगा प्लस 2 और ऐसे भी प्लस 2 आएगा। इसके बाद अगला एग्जांपल क्रोमियम वाटर 6 Cl3। इसमें बताना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं क्या होगा इसका, x इसका मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वाटर कंपाउंड है, तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो 0 इंटू 6 प्लस माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 3, x का वैल्यू आ गया प्लस 3। और इसको तोड़ दीजिएगा तब पर भी इतना ही आंसर आएगा, क्रोमियम वाटर 6 3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो x प्लस 0 इंटू 6 बराबर प्लस 3, तो x बराबर प्लस 3 आएगा। यहाँ से भी रेडिकल के फॉर्म में भी उतना ही आंसर आएगा और कंपाउंड से भी उतना ही आंसर आएगा।
इसके बाद अगला एग्जांपल, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O. FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O मोल साथ में फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है मोल साथ में, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यह देख लीजिए कि जो अमोनियम सल्फेट है वह कंपाउंड है और वाटर भी कंपाउंड है, तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेते हैं और कंपाउंड में सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जीरो करते हैं, देखते क्या आता है। तो फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया प्लस सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 प्लस, यह एक कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 प्लस वाटर भी कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 पूरा टोटल कंपाउंड है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को समेशन को 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू आएगा +2। तो इसका मतलब मोहर साइट में फेरस +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद अगला एग्जांपल Fe2CrO4 thrice में बताना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखते हैं यहां पर जो फेरस है, देख लीजिए यहां पर इसका वैलेंसी 3 यहां पर है और CrO4 का वैलेंसी यहां पर 2 है, तो इसका मतलब फेरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 I × इसकी संख्या 2 प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, तो यहां पर 3 क्रोमियम है तो 3x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 4 = 12 = 0, तो आ जाएगा 3 × 6 प्लस 3x माइनस 12 × 24 बराबर 0, तो 3x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर +6। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इस कंपाउंड में +6। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल K3CrO2 4, इसका ऐसे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में है K3CrO2 4, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं K2 K3 K3 Cr OO4। इसमें बताना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर जो O2 है ऑक्सीजन इसमें पेरोक्सी बॉन्ड के फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो यहां पर O2 जो है OO या पेरोक्सी बॉन्ड के फॉर्म में है, पेरोक्सी है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में बोलना है कितना -1। तो आइए किसी कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जीरो करते हैं, तो पोटेशियम +1 × 3 प्लस क्रोमियम का x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं बोलना है -1 बोलना है इसमें, तो -1 × कितना ऑक्सीजन 4 × 8 = 0, तो आ जाएगा 3 + x - 8 = 0, x - 5 = 0, x = +5। तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5।
इसमें जो O2 था ना वह OO के फॉर्म में था, मतलब पेरोक्सी बॉन्ड में था। तो इसमें हम जानते हैं कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसलिए -1 × 8 किया इसमें। इसके बाद अगला एग्जांपल के CrO2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के CrO OOOH, के CrO OOOH, और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब O2 जो है वह ओ फॉर्म में, मतलब इसमें भी पेरोक्सी बॉन्ड के फॉर्म में है वो ऑक्सीजन। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसमें भी -1, लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन है वह -2 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 करते हैं, तो +1 पोटेशियम का, +1 प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। तो एक्स मान लिए प्लस, यह जो ऑक्सीजन है यह सिंपल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होगा, प्लस ये वाला जो ऑक्सीजन है वह पेरोक्सी बॉन्ड में है तो -1 × 2, दो ऑक्सीजन है -1 × 2 होगा, प्लस यह ऑक्सीजन सिंपल है तो -2 प्लस हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा 1 + x - 2 - 2 - 2 + 1 = 0, तो आ जाएगा x - 6 + 2 = 0, x - 4 = 0, x = +4। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। तो यहाँ पर सबसे अच्छा बात है कि O2 जो है ना वह OO के फॉर्म में है, मतलब पेरोक्सी बॉन्ड में है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड में होता है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके लिए। लेकिन यह जो ऑक्सीजन है वह सिंपल है तो इसमें -2, इसका भी -2, इसका हाइड्रोजन का +1, तो सॉल्व हो जाएगा तो +4 आ गया इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल अगला Fe4 Fe Cn6 3, तो यहां पर Fe4 Fe Cn6 3, तो इसमें बताना है इस फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर, इस वाले का नहीं, इसका बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर देख लीजिए यहां जो फेरस है वहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि इसका वैलेंसी यहां पर 3 है और इसका वैलेंसी 4 होगा, तो फेरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये पक्का। तो +3 × 4 फेरस है, 4 + 3 × 4 प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, तो x यहां पर 3 फेरस हो गया, तो 3x प्लस Cn -1 के फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 × 6 = 18 = 0, तो आ जाएगा 12 + 3x - 18 = 0, तो 3x - 6 = 0, x = +2। तो यह जो फेरस है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगला एग्जांपल NH2OH, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो यह कंपाउंड है, तो कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 × 2, प्लस इसका ऑक्सीजन का -2, प्लस एकर हाइड्रोजन का +1 = 0 करिए, x + 2 - 2 + 1 = 0, तो x आ जाएगा -1 के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1 NH2OH में। इसके बाद अगला एग्जांपल Ba2XeO2 में Xe जेनन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 कर दीजिए।
तो बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू या ग्रुप टू का एलिमेंट है आ इंटू दो बेरियम है प्लस इंटू टू प्लस इसका मान लेते हैं एक्स प्लस हाँ ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस टू इंटू दो ऑक्सीजन दो बराबर जीरो कितना आएगा चार प्लस एक्स माइनस चार बराबर जीरो तो आ जाएगा एक्स बराबर जीरो। इसका मतलब जो जेरन है ना वह जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगला एग्जांपल एन आई सीओ फोर इसमें बताना है निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर तो कंपाउंड है तो कंपाउंड में उपस्थित सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जीरो होगा तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लेते हैं प्लस यह जो सीओ है वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म है मतलब कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो तो जीरो इंटू फोर बराबर जीरो तो एक्स आ जाएगा जीरो। इसका मतलब एन आई सी ओ फोर में निकेल जो है वह जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही तब तक के लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू।